इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और अभी तक के मैचेस जो थे काफी वन साइडेड थे और बहुत इजी था मैच बनाना। हम बात कर रहे थे 7-4 कॉम्बिनेशन बनाए कि 10-1, कुछ मैचेस में हमने 10-1 भी बनाया है और कुछ मैच में ऐसा हुआ है 10-1 बनाने के बाद में जिसको हमने ड्रॉप किया है वही विकेट भी लेके गई है। लेकिन इस मैच में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है सिलेक्शन, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत से जरूरत पड़ेगी नंबर्स की, मैचअप्स, हेड टू हेड वेन्यू, तो वो सब कौन लेके आएगा। हम पीयूष को स्काउट्स पे, हेलो वेलकम बैक टू पीयूष को स्काउट्स, मैं हूँ पीयूष शर्मा और एज यूजुअल हमारे साथ में कौन है, टैट गुरु जी और मिस्टर प्रतीक गुसा। हेलो 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 अरे हेलो नहीं सर, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वापस हेलो आशीष भाई, आप भी स्वागत है आप सबका, प्लीज। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक नए एपिसोड में, और फिर से हम वही चर्चा करेंगे कि किसको कैप्टन बनाना है, किसको ड्रॉप करना है और बेस टीम क्या होगी हमारी। तो शुरू करते हैं कैप्टनसी ऑप्शन से, और उससे पहले मैच कहाँ पे, मैच है मेरे फेवरेट वेन्यू पे। प्रतीक भाई वेन्यू का नाम क्या है? नहीं बता सकता, आशीष, नहीं आशीष बता भाई सकता, कभी का अबेखा, ये जी मैं घर से जाइए आप। अंडे, इस घर से यही पढ़ाई करके प्रोनाउंसिएशन आता हूँ। पे सिर्फ ट्रोल होना है, इसीलिए बोलना ही नहीं। तो मैंने पूरा एक दिन लगाया कि मैं ये सीख पाऊँ, एक एपिसोड में हमने पहले ही बात की थी, अबेखा। चलो तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं कंडीशंस की, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट जो पाल में हमने देखा है बाउंस और जो विकेट जितना स्लो था लो बाउंस, वो आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। और पहले जो पुराना विकेट हुआ करता था पोर्ट एलिजाबेथ का, जब वॉरियर्स यहाँ पे खेलती थी और इस साउथ अफ्रीका डोमेस्टिक टूर्नामेंट सब काफी खेले हैं, फैंटेसी में आप भी काफी खेले होंगे, तब बहुत ज्यादा स्लो होता था ये, अगेन पाल जैसा ही वेन्यू था, बट अभी काफी चेंज हो चुका है, बैटर्स पहले से काफी एंजॉय कर रहे हैं कंडीशंस। तो अब चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शंस पे, आशीष भाई किसके साथ जा रहे हैं इस कैप्टन, क्या वो होंगी जिन्हें हम ड्रॉप करते आ रहे थे 2 मैच से? जी बिल्कुल, यहाँ पे इस मैच के अंदर रेड सीवियर बेस्ट कैप्टेंसी ऑप्शन आपको 2 ओवर करके देती है कम से कम, और 2 डाउन बैट करती है और इन फॉर्म चल रही है अच्छे रिदम के अंदर। वाइस कैप्टेंसी में 2 ऑप्शन मैंने सोच कर रखे हैं, एक दीप्ति शर्मा है और सेकंड ऑप्शन अगर यूज ट्रैक पे मैच होता है, क्योंकि जो पिछले मैच हुए थे 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के इस वेन्यू के ऊपर, वो दोनों मैचेस सेम ट्रैक के ऊपर हुए थे, तो वो देखने लायक रहेगा। सेम ट्रैक पे मैच हुआ तो मैं दीप्ति के साथ जाऊंगा या फिर यहाँ पे मंदना चेस के ऊपर। तो मैंने भी 2 मैचेस से नैट चीवर को ड्रॉप किया था, और इस मैच में मैं भी कैप्टेंसी ऑप्शन की तरह देख रहा हूँ उन्हें, क्योंकि अब कंडीशंस डिफरेंट है, सामने इंडिया है और नंबर 4 पे आके भी वो रन कर सकती हैं, और ऑफ कोर्स बॉलिंग करेंगे ही 2 ओवर्स, 7 विकेट्स ऑलरेडी दे चुकी है अगेंस्ट इंडिया, 350s मार चुकी हैं, नंबर्स बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि शायद आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ने कैप्टन बना दे, बट सेफ ऑप्शन फिलहाल इस मैच में वही है, अलॉन्ग विद दीप्ति शर्मा जो अगेन विकेट्स पिक कर चुकी हैं। रन्स भी अगर आप देखेंगे तो 20s के अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है विद द बैट, और मैचअप्स काफी अच्छे हैं, स्पेशली अगर एटलीस्ट उनके अगेंस्ट देखें, सोफी ने काफी यहाँ पे जो हमारी बैटर्स है उनको परेशान किया है, लेकिन दीप्ति शर्मा ने, और वो मैचअप होगा भी क्योंकि सोफी लास्ट में ही बॉलिंग करेगी डेथ में आके, और दीप्ति शर्मा तब आपको वहां पे खेलती हुई दिखाई भी दे, तो एक अगेन एक अच्छी और सेफ वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है, कैप्टन वाइस कैप्टन डिपेंडिंग ऑन टॉस आप दोनों में से जा सकते हैं। प्रतीक भाई सबसे पहले मैं आपसे कैप्टनसी ऑप्शन पूछूं, आपकी वो डायरी दिखा दो प्लीज, यार ये देखिए, बहुत पढ़ाई पढ़ाई करी देख, मैंने, देखो बहुत पढ़ाई कितनी करी पढ़ाई करके आ और रहे हैं, इसलिए मेरी जो पिक्स होंगी ना आज किल करेंगी। बट किल एनीवेज कर या ऑन अ सीरियस देंगी। नोट, या ऑन अ सीरियस नोट, आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर चेज रिलेटिवली इजी होगा, तो अगर इंडिया बोलिंग फर्स्ट रही है, आई वुड गो विद दीप्ति एज कैप्टन, मंदाना एज वाइस कैप्टन, बिकॉज मंदाना का रिकॉर्ड ओवरऑल अगेंस्ट इंग्लैंड इज वेरी गुड, चेज करते हुए शी शुड कम गुड, 40 के ऊपर का एवरेज है, 6 50s है, तो मंदाना एज माई वाइस कैप्टन इफ इंडिया इज चेजिंग। अगर इंग्लैंड बोलिंग फर्स्ट कर रही है, सोफी एज माय कैप्टन एंड कैथरीन ब्रंट या नैट स्टीवर्ट को एज माय वाइस कैप्टन, मतलब तो अगर आपके पास में जो भी अगर चेस कर रहे हैं अच्छी उसको बैक करेंगे जीतने के लिए, चाहे इंडिया हो या इंग्लैंड। अच्छी अगर आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, मेरे लिए तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी नौकरी यहाँ से तो बिल्कुल जाती हुई दिख रही है मुझे, एक ही काम था मेरा यहाँ पे, नंबर जाके रट के बोल देना, वो भी अब खत्म कर दिया है, नंबर्स भी दोनों पढ़ लिख के आ रहे नहीं हैं। तो फिलहाल मंदना की जैसे मैंने बात की, नंबर्स काफी अच्छे हैं, 40 का एवरेज है, 6 50s मार चुकी हैं, जैसा प्रतीक भाई ने बोला 3 50s बैटिंग फर्स्ट है, 3 बैटिंग सेकंड है, और चेस करते हुए लास्ट हम जितने रिव्यू किए हैं काफी बार बात की है कि चेस करते हुए उनकी अलग साइड देखने को मिलती है, वो नंबर्स जो हैं बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं, बहुत बेटर हो जाते हैं वाइल्ड चेजिंग,
यहाँ पे भी आपको दिखेगा अगेंस्ट इंग्लैंड 33 का एवरेज है बैटिंग फर्स्ट, और वो 60 से ऊपर का हो जाता है जब वो चेस करती है। 6 ही इनिंग में 350 आई है वाइल चेजिंग, और टोटल 17 इनिंग्स खेली है उन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड। तो अगर आपको बैक करना है, बट रिसेंट फॉर्म उन्होंने लास्ट मैच में बात की थी, बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है। अभी रिसेंटली बहुत रन उन्होंने नहीं किए हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना हो तो आप उनके साथ जा सकती हैं, जा सकते हैं। जैसे हमने लास्ट मैच में हीली के लिए रिकमेंड किया था कि भले ही वो फॉर्म जो है वो रिसेंट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट मैन ऑफ द मैच बनी, वुमन ऑफ द मैच बनी, और लास्ट मैच में हो सकता है कि शायद आप अच्छा खासा जीते भी। वैसे हम अज्यूम करके चल रहे हैं, बाकी गाली देख लेंगे तो नहीं, पता चल यहाँ पे ना जाएगा। एक और चीज, जैसे हमने लास्ट वीडियो मतलब कुछ प्लेयर्स के लिए ना बनी टीम्स होती है। हमने पिछले गेम में बात करा था, जैसे मुनी आउट ऑफ फॉर्म थी बट श्रीलंका के सामने उनका रिकॉर्ड एंड वी सॉ हर कमिंग एंड स्कोरिंग गुड। सेम हमने स्टेफनी टेलर के लिए, खैर हमने बोला था कि ड्रॉप करो बट टेलर वर्सेज इंडिया मतलब अलग ही रिकॉर्ड है। सेम बेसिस पे मंदाना भले आउट ऑफ फॉर्म हो रिसेंटली, वी नीड टू बैट करो। जी हाँ, वैसे बाद में हमने सबने ही टेलर पिक कर ली थी, आशीष भाई ने भी शायद टेलर ही पिक की थी, मैंने भी मेरी टीम में उन्हें पिक किया था कि ऑप्शन आपके पास कैंपबेल वर्सेस टेलर ही था, और स्ट्रेट फॉरवर्ड जब रिस्क लेना है तो फिर टेलर पे लीजिए, क्या रिकॉर्ड है, रन मार के गई उसमें भी। फिलहाल वापस से इंजर्ड हो गई है तो पता नहीं नेक्स्ट मैच में खेलती हुई दिखेंगी या नहीं। अब बात करें डिफरेंशियल वाइस कैप्टन या कैप्टन की, तो काफी सारे ऑप्शन हैं। आप देखें फ्रॉम इंग्लैंड तो वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, और इंडिया से भी बहुत सारे आपको बैटर्स मिलेंगे, स्पेशली जमीमा जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट काफी स्ट्रगल करती हैं। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स इस मैच में आपके लिए अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं, और उस डिफरेंशियल में अगर आपको टॉप डिफरेंशियल देखना हो तो राजश्री गायकवाड है जो कि 3 इनिंग में 5 विकेट्स ले चुकी हैं। इसके अलावा देविका वैद्य हैं, लास्ट मैच अगर आपको याद हो गए साइलेंट बिल्कुल फ्री के विकेट लिए थे कैरम अली को उन्होंने, जब वो उस जैसे इंग्लिश मेन साइड खेलती है वैसे इनकी वुमेन साइड भी खेलती है, और उस इंटेंट के साथ मारने जाते हैं, और अच्छे चांसेस हैं कि वो लेग स्पिनर को या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर को विकेट्स दे दें। चाहे 10 रन बचेंगे तो भी वो छक्का मारने ही जाएंगे, और अच्छे चांसेस तब भी विकेट्स मिल जाएं। तो देविका वैद्य, राजेश्वरी गायकवाड जरूर अपनी टीम में आप एज डिफरेंशियल इन ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग जैसे आप पिक करना चाहे कर सकते हैं। आशीष भाई आप किसके साथ जा रहे हैं? सारा तो आप ही नहीं बता दिया लगे मेरे को। सबसे बेस्ट तो जैसे जैसा आपने कहा कि राजेश्वरी गायकवाड़ बहुत अच्छी ऑप्शन है, और जो इंग्लैंड की टीम है वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन के सामने फंसती है, तो मैं गायकवाड़ को यहाँ पे बैक करूंगा। पिछले मैच में भी कोई 4 ओवर डाले थे, उसमें एक ओवर उनका पावर प्ले में आता है। फिर आप देखते हो पावर प्ले में कौन खेलता है इंग्लैंड के लिए, डेनी वाइट आती है और सुफिया डंकली आती है, दोनों अटैक करके खेलती है और गायकवाड़ भी अटैकिंग बॉलर है। तो वहां पे मतलब 19-20 का आंकड़ा होने वाला है मैच के अंदर, तो गायकवाड़ को मैं बैक करना चाहूंगा यहाँ पे। 19-20 का आंकड़ा होगा तो 19 कौन होगा? ठीक 19 होगी यहाँ पर इंग्लैंड के ओपनर। है, आशीष भाई ने बोल दिया कि गायकवाड़ के विकेट्स आ गए हैं 2 मिनिमम। प्रदीप भाई आपके लिए डिफरेंशियल कौन होगी? अगेन डिफरेंशियल आई गो बेसिस टॉस। अगर इंग्लैंड बॉलिंग फर्स्ट कर रही है देन कैथरीन ब्रंट, नंबर्स काफी बढ़िया है। जेमी को 2 आउट ऑफ 5, सफाली को 2 आउट ऑफ 6, स्मिथी को 3 आउट ऑफ 9। तो इंग्लैंड बॉलिंग फर्स्ट, कैथरीन ब्रंट विल बी माय डिफरेंशियल यू नो वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में। अगर इंडिया बॉलिंग फर्स्ट कर रही है देन राधा यादव, एंड हमने डिस्कस करा इसके पहले भी कि कैसे इंग्लैंड ऑल्सो स्ट्रगल लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने, तो वहां पर एंड स्पेशली यहाँ पर अगर आप देखो कीथर नाइट इज अ वेरी एक बहुत ही बढ़िया केस इन पॉइंट है। एकता बिष्ट के सामने 3 आउट ऑफ 3 है, भले एकता बिष्ट नहीं है यहाँ पर, बट 3 आउट ऑफ 3 यहाँ पर आउट हो चुकी है और बाकी बैटर्स ने भी काफी स्ट्रगल करा है। तो राधा यादव इफ इंडिया इज बॉलिंग फर्स्ट, लय में भी दिखी है, विकेट ले रही है, एंड दैट इज व्हाट आई डिफाइन। कैथरीन ब्रंट की आपने बात की, उनके नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं अगेंस्ट इंडिया, 23 विकेट्स ले चुकी हैं जो कि उनके हाईएस्ट हैं T20 इंटरनेशनल्स, तो उनको आप जरूर पिक कर सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। रिसेंटली बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं पिक किए हैं उन्होंने भी, और इसके अलावा बेल आपको जो कि डेथ में बॉलिंग करती हुई देख रही है, 1 ओवर जो कि वाइड यॉर्कर्स डालती है, वाइड स्लोअर वन डालती है ज्यादा, और मेरी आशीष भाई की बात भी हो रही थी कि विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम हो जाती है वहां पे, और अगेंस्ट इंडिया अभी तक विकेट्स नहीं मिले, तो ब्रंट एक बेटर ऑप्शन बन जाती है। 1 ओवर वो भी डेथ में करती हुई आपको दिखाई देगी, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, तो बॉलिंग फर्स्ट में तो जरूर अपनी टीम में रख लीजिए, स्मॉल लीग टीम में भी, और बाकी के ऑप्शंस गायकवाड मैं स्मॉल लीग टीम में जरूर रखना चाहूंगा। देविका वैद्य एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल है पिक कर पाना क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन लिस्टेड है, और ऑलरेडी आपके पास वहां पे काफी सारे ऑप्शन है, तो क्या बेस्ट टीम बना ले फिर हमारी? पहले तो आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा प्रदीप भाई? 7-4 आप जा सकते हैं अगर जाना चाहेंगे तो, कौन सी साइड की तरफ? यहाँ वन साइडेड अफेयर नहीं है कि नहीं आप एक ही टीम के अगेंस्ट जाना चाहें, तो क्या होगा आपका सेफ आइडियल कॉम्बिनेशन? मैं कह रहा हूँ कि इरिस्पेक्टिव
इसको भी आउटराइट बैक करूंगा टू विन। 7-4 कॉम्बिनेशन इस गेम में बनाना बहुत मुश्किल है बिकॉज वैल्यू अलग अलग तौर पे अवेलेबल है, तो 6-5 ही बनेगा। शायद ये भी हो सकता है कि 6-5 बोलिंग फर्स्ट के फेवर में बन जाए, तो यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन टॉस आई विल नो गो अहेड एंड बैक 7-4 तो पक्का नहीं। आशीष भाई क्या होगा आपका कॉम्बिनेशन, सिक्स और फाइव कौन सी साइड जैसा के लिए? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लैंड की तरफ जाऊंगा, जो उनका इंटेंट है खेलने का, जो अंदाज है खेलने का अटैकिंग है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंग्लैंड को बैक भी कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अच्छा गेम दिखाया। पूरी टीम मतलब बदली है, वो लोग पूरी टीम ने अपना गेम सेट बदला, माइंड सेट बदला। टीम इंडिया में भी है, ऋचा घोष अच्छी बैटर है, पर मंदना का फॉर्म ये मैच डिसाइड करेगा, मेरा तो ये मानना है इस मैच में। जय मंदना का फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, रिसेंटली बहुत ज्यादा रन उन्होंने नहीं किए हैं, और मेरा भी जो कॉम्बिनेशन होगा वहां पे इंग्लिश जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े ज्यादा दिखेंगे, तो 6-5 मैं भी जाना चाहूंगा, हो सकता है 7-4 भी चले जाऊं, डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन पे और टॉस के ऊपर। फिलहाल बेस टीम की बात कर लेते हैं, तो विकेट कीपर सेक्शन में चलते हैं, उसके लिए पहले मुझे खोलना होगा। तो विकेट कीपर सेक्शन में दो ही ऑप्शन है आपके पास, ऋचा घोष और एमी जोन्स। ऑब्वियसली बात है हर कोई ऋचा घोष के साथ जाना चाहेगा, बट एक ही मैचअप जो उनका खराब है वो है अगेंस्ट सोफी, लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट वो भी स्ट्रगल करती हैं, लेकिन जिस फॉर्म में है विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट्स दे रही है, क्या आपके लिए स्ट्रेट चॉइस है? या स्टेट चॉइस, जैसे हमने कहा कि मतलब अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर इंग्लैंड के बोलर्स अप फ्रंट परेशान करेंगे थोड़ा सा अगर इंडियन बैटर्स को, तो हमने देखा है लास्ट दो गेम में कैसे ऋचा नंबर 5-6 पर आकर भी अच्छे खासे रन दे रही है। तो यू नो जो फॉर्म में चल रहा है, मोमेंटम में चल रहा है, उसको छेड़खानी नहीं करते हुए, और ऐसा नहीं कि एमी जोन्स बहुत सारे कैचेस पकड़ रही है, डिस्मिसल्स कर रही है बैंगर के, विद इंग्लैंड बोलर्स हु स्टिल फाइंड LBW बोल्ड यू नो या कॉट आउट होना इन द ग्राउंड नॉट मोर प्रोबेबल वर्सेज बिहाइंड द विकेट्स। तो ऋचा घोष अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बैटिंग सेक्शन में, डेनी वाइट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी विद द बैट, उस फ्लो में नहीं लगी है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ईस्ट इंडिया नंबर्स बहुत अच्छे हैं, 250s 100 है, और वो सब आई है वाइल्ड चेजिंग अगेंस्ट इंडिया। इसके अलावा आपके पास हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंदाना है जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कीतन नाइट है जो कि अब पहले काफी बोलिंग किया करती थी इंडिया के अगेंस्ट, विकेट्स भी हैं लेकिन अब बोलिंग नहीं कर रही है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन ऑप्शन है, और आपके पास है शेफाली वर्मा, सोफिया डंकली। सोफिया डंकली मैं जरूर रिस्क लेना चाहूंगा, जैसे बैटिंग कर रही है थोड़ा सा हिट एंड मिस है, शेफाली वर्मा की तरह उसी अप्रोच से खेलती है, बट क्या सोफिया डंकली आपकी टीम में जगह बना पाएंगी? आशीष भाई डंकली का जो फॉर्म चल रहा है बहुत बेहतर चल रहा है, और इनका इंटेंट भी बहुत अच्छा है, और जो बॉल को टाइम कर रही है और चाबुक की तरह बॉल निकल रही है बैट से। शेफाली वर्मा का बस एक्स फैक्टर ये रहता है कि वो एक या दो डाल जाती है बीच के अंदर, तो वो भी मतलब एक तरह से सोचने में मजबूर करता है, पर बैटिंग वाइज देखते हैं तो डंकली के मेरे को ज्यादा सही मतलब अंदाज लगता है खेलने का एज कम्पेयर टू शेफाली वर्मा। और ब्रेंट डंकली का को मैचअप मैं तो सामने ड्रॉप फिर है। करूंगा, बट डंकली को मैं ड्रॉप करूंगा। दीप्ति ओके पूजा बोथ हैव ट्रबल्ड एंड आई बिलीव कि वहां पे फिर से हमें दिखेंगी ऊपर पावर प्ले में वो, एंड इन इन माय ओपिनियन डंकली विल स्ट्रगल। तो लास्ट मैच में हमने हेली मैथ्यूज उसकी बात की थी वर्सेस पूजा, जो मैचअप था 4 इनिंग में 4 बार आउट किया था, और इंडिया ने भी ऑफकोर्स वो मैचअप पे काफी ध्यान दिया, तो पूजा ओस्त्रकर को न्यू बॉल दी, दूसरा ओवर डाला और अपनी पहली ही बॉल पे हेली मैथ्यूज को फिर से आउट कर दिया था 5th टाइम। सेम आपको यहाँ पे सोफिया डंकली के अगेंस्ट भी दिखेगा, 3 इनिंग में 2 बार आउट किया पूजा ने 4 डिलीवरीज में, तो हो सकता है फिर से हमारा कोई स्काउट्स देख के उन्हें वापस से न्यू बॉल दे दे, नहीं हमारे स्काउट कोई नहीं देखता वो फालतू है। तो मैचअप्स देख के इंडिया अभी काफी मैचअप्स पे फोकस कर रही है, तो पूजा वसरकर आपको बेहतर न्यू बॉल वापस से दिख सकती है, सोफिया डंकली के अगेंस्ट वो एक मैचअप हो सकता है जो कि उनके अगेंस्ट जा सकता है, और दीप्ति शर्मा ने भी 2 बार आउट किया है, बट डंकली की फॉर्म काफी अच्छी है, प्रॉपर हिट एंड मिस है जिस अप्रोच के साथ वो खेलती हैं, तो अगर आप रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिलहाल मेरी टीम में तो दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको जो 3 बैटर लेने होंगे तीसरे चौथे ऑप्शन में से कौन होंगे? प्रतीक भाई तो फॉर मी आई विल बैक वायर टू डेनी वायर टू फ्रॉम इंग्लैंड, बिकॉज एक पिक करना होगा। ईथर नाइट थोड़ा सा नीचे बैटिंग करती है तो इसके लिए आई एम नॉट गोइंग इन फेवर ऑफ हर। एंड इंडिया की तरफ से एज एन आइथर आई बिलीव हरमनप्रीत कौर अगेन कप्तान है, शी विल कम टू द फोर। अच्छे लास्ट गेम में भी अच्छे लय में नजर आई थी, शी लॉस्ट द विकेट अननेसेसरली और वो हेनरी वाला विकेट मेडन काफी फायदा करा गया ओवरऑल, बट आई बिलीव दैट शी विल एंकर द इनिंग्स एंड हेंस सो वायर हरमनप्रीत कौर एंड मंदाना आर द 3 बैटर्स दैट आई विल गो। हरमनप्रीत कौर की हमने लास्ट मैच में बात की थी, एफी फ्लेचर के अगेंस्ट जो मैचअप था, इस मैच में सारा ग्लेन के अगेंस्ट है, सारा ग्लेन 8 विकेट ले चुके हैं अगेंस्ट इंडिया, 7 बोलिंग फर्स्ट आए हैं, और ओवरऑल नंबर देखें टी ट्वेंटी में
तो हरमनप्रीत 10 इनिंग में 5 बार उनके अगेंस्ट आउट हो चुकी है, तो वो एक मैचअप है जिसपे दोनों टीम की नजर रहेगी। और आशीष भाई, आप किसको टीम में पिक कर रहे हैं? हरमनप्रीत, जेमी और शेफाली, इन तीन में से अगर आपको एक या दो पिक करनी हुई तो किसको पिक करेंगे? इसमें सबसे पहले मैं हरमनप्रीत कौर के साथ जाऊंगा। रीजन कैप्टनसी का भी है और बहुत हजन में खेलती है, बड़ी टीम के खिलाफ उनकी आदत है स्कोर करने का। और फिर सेकंड ऑप्शन के अंदर मैं शफली के साथ इसलिए जाऊंगा क्योंकि वो एक दो डाल देती है और उसके अंदर जो इंग्लैंड के प्लेयर्स अटैक करके खेलते हैं, क्या पता वो उसको एज ए फ्री फ्लोइंग बॉलर देख ले और वहां पर अपना विकेट स्कोर कर जाए छक्के चौके मारने के चक्कर में। तो जमेमा भी है लेकिन मैं यहाँ पे शफली और कौर के साथ मतलब एक सेफ पिक बनाऊंगा। बॉलिंग सेक्शन पे, ऑलराउंड सेक्शन पे चलते हैं। पहले दीप्ति शर्मा, नैट सीवर, दो सबकी टीम में मिलने वाली है, स्टेट ऑप्शंस हैं। केथरीन ब्रंट, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आप बिल्कुल नहीं ड्रॉप करना चाहेंगे, जब से ऑलरेडी बात कर चुके हैं 23 विकेट्स है जो कि उनके हाईएस्ट है वेमेन्स टी20 इंटरनेशनल्स। तो बॉलिंग फर्स्ट में आप पिक कर लीजिए, बॉलिंग सेकंड में टोटली आपका कॉल है। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप 7-4 वाले कॉम्बिनेशन में खेल रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास। पूजा वस्त्रकर है, कैप्सी है जो अगेन बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रही है, इसके अलावा देविका वैद्य है जो कि बहुत ज्यादा लोग कंसिडर नहीं करेंगे बट मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी डिफरेंशियल है। इस मैच में आप उम्मीद करते हैं बैटिंग आएगी, और जब भी उनकी बैटिंग आती है एंकर करती है साइड को, कुछ रन जरूर कर देती है। और जैसा हमने देखा इंग्लैंड जिस अप्रोच के साथ खेल रही है, मरी को 3 विकेट्स दिए थे, हो सकता है देविका वैद्य भी 1-2 विकेट्स इस मैच में पिक कर ले, बट स्मॉल लीग्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर आप मिली ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो ही पिक करिएगा, ग्रैंड लीग में लेकिन बहुत ही अच्छी ऑप्शन है ट्राई करने के लिए, किसी टीम में तो जरूर ट्राई कर लीजिएगा। तो आप किसको नहीं पिक करना चाहेंगे इतने सारे ऑप्शन पे से? प्रदीप भाई, यार इन माय कॉम्बिनेशन जहाँ पे लाइक आई सेड अगर इंग्लैंड चेस कर रही है, अलीसा कैप्सी इज अ वेरी बिग डिफरेंशियल आई बिलीव कि अगेन 4 बार इतनी इंडिया के सामने खेली है, एक भी बार आउट नहीं हुई है। पिछले गेम में भी शी शोड कि कैसे क्विक फायर रन बना रही है। तो चेस करते हुए जो हमारा फिलोसफी है कि चेस इजी हो रहा है वहां पर, एंड अगर इंग्लैंड के ओपनर का मैचअप हमने देखा जो सही नहीं है, तो कैप्सी एट नंबर 3 बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो अच्छे खासे रन आपके लिए बना सकती है। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में शी इज द वन दैट आई विल बैक। देविका को इतना रिस्क नहीं लूंगा मैं, स्पेशली फ्रॉम जैसे आपने भी कहा था कि स्मॉल लीग और रेडवेड में तो सेंस नहीं बनता इतना, तो वहां पे मैं भी रिस्क नहीं लूंगा। पूजा वस्त्रकर प्राइमरीली बिकॉज दैट वन और टू मैचअप्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पिक हो सकती है, बट आई बिलीव कैप्सी का क्विक फायर रन बोनस एक्सेट्रा जो वहां पे आएगा शायद ज्यादा वैल्यू दे जाए ओवर इंडियन बोलर। तो आप किसको पिक कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि जब लास्ट में हमें कुछ नहीं समझ में आता हम आते हैं कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं और छाप देते हैं। बॉलिंग सेक्शन पे चलते हैं, रेणुका ठाकुर बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेक्शन हो चुका है। लास्ट हम बात तो करते हैं कि बहुत अच्छी फॉर्म में है बट विकेट से रिसेंटली नहीं मिले उन्हें बिल्कुल भी, और लास्ट मैच में भी आखिरी बॉल पे, अपने स्पेल की आखिरी बॉल पे उन्हें विकेट मिला था। तो रेणुका ठाकुर बॉलिंग सेकंड तो मैं शायद बिल्कुल ड्रॉप कर ही रहा हूँ, बॉलिंग फर्स्ट में भी क्या आप ड्रॉप करना चाहेंगे आशीष भाई? रेणुका सिंह के हेड टू हेड नंबर्स भी इतने खास नहीं, उनका फॉर्म भी बहुत बड़ा कंसर्न रह रहा है। तो यहाँ पर मैं जो बॉलिंग सेक्शन है उसके अंदर सबसे पहले अखिलेश टीम के ले लूंगा, उसके बाद फिर वहाँ पे प्रीफर करूंगा चार्ली डीन को जो ऑफ स्पिनर है और वो बहुत को अच्छा खासा फ्लाइट देती है, तो वहाँ पर विकेट मिलने के चांसेस है, ललचाती है विकेट को, तो चांसेस उनके तो सेकेंडरी बॉलर हो रहे हैं। जी हाँ, और जो एक और बॉलर जिनकी हमने ज्यादा चर्चा नहीं की है सरप्राइजिंगली, जो कि हमेशा मेरी कैप्टन चॉइसेस में रहती है, वो है सोफिया क्लेसन। 12 विकेट ले चुकी है, 10 बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आए हैं, और ये याद रखिएगा सोफिया क्लेसन डेथ बॉलर है उनकी, 2 ओवर्स डेथ में जरूर करेंगी, नंबर्स अगेंस्ट इंडिया अच्छे हैं ये ऑलरेडी। तो सोफिया क्लेसन, सारा ग्लेन को आप पिक करना चाहेंगे या नहीं? अभी तक रिसेंट फॉर्म काफी अच्छी रही है इंडिया के अगेंस्ट, 7 विकेट्स भी, बॉलिंग फर्स्ट है तो उन्हें आप पिक कर सकते हैं। इसके अलावा चार्ली डीन जैसा कि आशीष भाई ने कहा, प्रतीक भाई, राजेश्वरी गायकवाड़, राधा यादव दोनों पिक करेंगे या फिर एक, और क्या वो राजेश्वरी गायकवाड़ होंगी? अगर पैकिंग ऑर्डर बनाऊं तो राजेश्वरी गायकवाड़ ओवर राधा यादव फॉर श्योर, इवन जो भी मैचअप हमने देखा है। और एक ना मतलब शी इज गॉन विकेटलेस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ऑल्सो, तो ना कहीं वो प्लेयर को भी प्रूव अपना पॉइंट प्रूव करने का एक जज्बा होता है कि आई नीड टू कम टू द फोर, मुझे कॉन्ट्रीब्यूट करना है, कुछ करके दिखाना है। मैचअप फेवर में है और ये वो वाले गेम्स होते हैं जहां पर वो प्लेयर अच्छा खासा फॉर्म में आ सकता है। तो राजेश्वरी गायकवाड़ और राधा यादव फॉर श्योर, सोफिया क्लेसन आई थिंक नो ब्रेनर है, हम सबकी टीम्स में होंगी। जस्ट एक चीज है यहाँ पर वेर आई बिलीव कि सारा ग्लेन माइट जस्ट बी दैट डिफरेंशियल अगर आप इंग्लैंड का एडिशनल बॉलर पिक करना चाह रहे हो, प्राइमरली बिकॉज वी हैव सीन सम ऑफ द इंडियन बैटर्स स्ट्रगल अगेंस्ट लेग स्पिन, थोड़ा ऑफ स्पिन को फिर भी अच्छे से खेल जाते हैं, एंड हेंस चार्ली डीन एक अच्छा डिफरेंशियल बन जाएंगे अगर हर कोई सोच रहा है ये, एंड विच इज वेर आशीष भाई, और आशीष भाई ने जब जब जो प्लेयर बोला है एंड में उसका धमाका मचाया है। फिर ये शायद लास्ट गेम इन्होंने कहा था कि इग्नोर मत करना, सी गेव पॉइंट्स टू विकेट्स कैचेस एक्सेट्रा, बट चार्ली डीन हैट्स ऑफ टू हिम,
मतलब पर शायद आई स्टिल बिलीव कि सारा ग्लेन एक थोड़ा सा और वैल्यू दे जाएगी एटलीस्ट फ्रॉम नंबर्स पर्सपेक्टिव। लास्ट मैच में सोफी और डीन के साथ मैच कैप्टन वाइस कैप्टन गया था, जो कि मैच काफी अच्छा गया था। और इस मैच में भी पिक जरूर करना चाहूंगा कैप्टनसी ऑप्शन में, भले ही चार्ली डीन नहीं होंगे। इंडिया वैसे ऑफ स्पिन काफी बेटर खेलती है बाकी अब बॉलिंग टाइप से अगर आप कंपेयर करेंगे तो, जिसमें शेफाली वर्मा जरूर ऑफ स्पिन के स्ट्रगल करती हैं, लेकिन हरमनप्रीत काफी अच्छा खेलती हैं, जेमी बहुत अच्छा खेलती हैं, अगर वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन के स्ट्रगल करती हैं। तो आपको राइट बॉलिंग टाइप और राइट बॉलर पिक करना होगा, ये मैच उतना इजी नहीं है। तो सिलेक्शंस भी आपके लिए थोड़े ट्रिकी होंगे, तो अपना इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके से करिए, बहुत ज्यादा मत इन्वेस्ट करिए क्योंकि बहुत लंबा टूर्नामेंट है, अभी भी बहुत सारे मैचेस हैं। और उसके बाद वुमेन्स आईपीएल भी स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे दोनों स्काउट्स यहीं पर रहेंगे, जाएंगे नहीं कहीं पर, तो वो उसके प्रीव्यू लाते रहेंगे। आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में। और दोनों मैचेस के हम प्रीव्यू कर रहे हैं, दूसरा मैच का प्रीव्यू जरूर देख लीजिएगा। आज के शो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग प्रतीक भाई, आशीष भाई, थैंक यू थैंक थैंक यू।